पेश है इस बुलेटिन में राजस्थान की बड़ी खबरें। हम आपके लिए इस बुलेटिन में लेकर आए हैं श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की भी प्रमुख खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों पर। न्यायिक सेवा में आरक्षण को लेकर राजस्थान में बड़ा फैसला लिया गया है। गहलोत सरकार ने ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वर्ग को न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण प्रदान किया है। कार्मिक विभाग ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार के इस निर्णय से अब न्यायिक सेवा में ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति के अधिक अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के बाद न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थी काफी लंबे समय से सरकार से ये मांग कर रहे थे। राज्य सरकार ने इन सेवा की भर्तियों में इंटरव्यू की प्रक्रिया भी तय कर दी है। न्यायिक सेवा में दिव्यांग आरक्षण के प्रावधान भी लागू होंगे। विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा ने सरकार को घेरने का प्लान बना लिया है। बढ़ते अपराध, बिजली के दामों में बढ़ोतरी, बिजली वीसीआर के नाम पर वसूली जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा सदन में सरकार को घेरेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने गुरुवार को भाजपा मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम कोशिश करेंगे जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको सदन में उठाएं। पिछले दिनों जयपुर में भारी बारिश हुई, उससे 7 दिन का समय गुजर जाने के बाद भी सरकार युद्ध स्तर पर काम नहीं कर पाई, जिसकी वजह से आज भी 2000 से ज्यादा मकान और दर्जनों वाहन मिट्टी में दबे हुए हैं। रेलवे की ओर से माल और पार्सल के परिवहन के लिए माल ढुलाई करने वालों को आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इससे रेलवे तथा माल यातायात ग्राहक दोनों को फायदा मिलेगा। रेलवे के माध्यम से माल ढुलाई के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत लिबरलाइज्ड ऑटोमेटिक फ्रेट रिबेट स्कीम लाई गई है, जो TEFD ट्रेडिशनल एम्प्टी फ्लो डायरेक्शन योजना में संशोधन का रूप है। इसमें एक रैक में वैगनों की न्यूनतम संख्या को संशोधित कर कम किया गया है। इसके तहत एक रैक में इन वैगनों को न्यूनतम 10 की संख्या में उपयोग में लाया जा सकता है। पंजाब सरकार ने पंजाब में बढ़ते कोरोना खतरे को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार अब पंजाब में आज से हर रोज शाम 7 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। इसी के साथ सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में सिर्फ 50% लोग ही जाएंगे 31 अगस्त तक। इसी के साथ बसों में सिर्फ 50% लोग ही सफर करेंगे और निजी वाहनों में सिर्फ 3 मेंबर ही सफर करेंगे। सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित इलाकों में सिर्फ 50% गैर जरूरी सामान दुकानें खुलेंगी। वहीं 31 अगस्त तक राज्य भर में होने वाली शादियों और अंतिम संस्कारों को छोड़कर सभी समारोह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। जोधपुर रेलवे द्वारा देश के 109 मार्गों पर 150 निजी ट्रेनें चलाने की जिम्मेदारी जिन निजी संचालकों को दी जाएगी, उन्हें उन स्टेशनों का चुनाव करने की आजादी होगी जहां वे अपनी ट्रेनों का ठहराव चाहते हैं। रेलवे द्वारा निजी ट्रेनों के ठहरावों को लेकर नियम व शर्तें जारी किए गए हैं। निजी ट्रेन संचालकों को पहले ही उन स्टेशनों की सूची रेलवे को मुहैया करानी होगी जहां पर वे रेलगाड़ी के आरंभ व गंतव्य के अलावा ठहराव चाहते हैं। निजी संचालकों को मार्ग के बीच में पड़ने वाले स्टेशनों पर ठहराव की सूची के साथ यह भी बताना होगा कि रेलगाड़ी कितने बजे स्टेशन पर आएगी और कब रवाना होगी। यह रेल परिचालन योजना का हिस्सा होगा। राजस्थान रोडवेज में चालक परिचालक की ड्यूटी को लेकर नए सिरे से रोस्टर प्रणाली शुरू की गई है। ऐसे में अब जोधपुर डिपो स्तर की बजाय रोडवेज मुख्यालय जयपुर से ड्यूटी चार्ट बनाने की व्यवस्था लागू की गई है। राजस्थान रोडवेज में लंबे समय से स्थानीय डिपो स्तर पर चालक परिचालक की ड्यूटी के लिए चार्ट बनता रहा है। इसे लेकर पक्षपात और अपने चहेते कर्मचारियों की मनपसंद रूट पर ड्यूटी लगाने की शिकायतें सामने आती रही। इसे देखते हुए मुख्यालय की ओर से अपने स्तर पर ड्यूटी चार्ट जारी करने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ओवरलोडेड ट्रकों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 31 ट्रकों को सीज किया गया। उनसे 27 लाख रुपए बतौर जुर्माना वसूले गए हैं। यह कार्यवाही परिवहन विभाग, खनन विभाग और पल्लू पुलिस ने साझा अभियान के तहत की है। दरअसल ओवरलोड वाहनों और अवैध बजरी परिवहन पर कार्यवाही की मांग हनुमानगढ़ जिला ट्रक यूनियन ने की थी। ट्रक यूनियन ने जिला कलेक्टर से परिवहन विभाग और खनन विभाग की संयुक्त टीम बनाने की मांग भी की थी। मांग पूरी न होने पर हनुमानगढ़ जिला ट्रक यूनियन ने हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट के सामने सैकड़ों ट्रक खड़े करके 2 दिन धरना दिया था। बगावत के बाद पहली बार गुरुवार को सचिन पायलट जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस पहुंचे। यहां उन्होंने उनकी जगह बनाए गए नए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को अध्यक्ष बनने की बधाई दी। इसके बाद पायलट ने कहा कि कांग्रेस की सरकार अच्छा काम कर रही है, इसमें सुधार की बात है वो हम कह चुके हैं। पायलट ने कहा कि कमेटी बन चुकी है, सभी से बात करने के बाद कमेटी कदम उठाएगी। कांग्रेस से जुड़े सभी लोग निस्वार्थ भाव से काम करना चाहते हैं। टोंक जिले में बनास नदी में पानी का बहाव तेज होने से गहलोत मार्ग पर पहला रपटा बह गया। इससे पीपलू व मालपुरा ब्लॉक के दर्जनों गांवों का संपर्क टोंक जिला मुख्यालय से टूट गया।
अब इन गांवों के लोगों को टोंक आने जाने के लिए 50 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। यहां पुल का प्रस्ताव करीब 6 सालों से चल रहा है, लेकिन यह प्रस्ताव फाइलों से बाहर नहीं निकलने से हर साल लोगों को बरसात के दिनों में आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्री गंगानगर में एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव का बम फूटा है। गुरुवार को एक साथ 29 रोगी मिले हैं। पीएमओ डॉक्टर केएस कामरा ने बताया कि फ्रेंड्स कॉलोनी, आनंद कॉलोनी, मधुवन कॉलोनी, डॉक्टर कॉलोनी, जवाहर नगर सेक्टर नंबर 2 में एक, बापू नगर में एक, अग्रसेन नगर द्वितीय में एक, सिद्ध कॉलोनी में एक, जी ब्लॉक में एक, न्यू धान मंडी में एक, सद्भावना नगर में एक, हनुमान नगर में 2, विनोबा बस्ती में 2, सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 9 व 42 में 2, पुरानी वादी के वार्ड नंबर 11, 14, 21 में एक एक, गुरु नानक बस्ती में 4, खाट लबाना में 5 पॉजिटिव मिले हैं। आज मिले रोगियों में चिकित्सक, पुलिसकर्मी, बैंक कर्मी, निजी हॉस्पिटल कर्मी शामिल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया। जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल, उप सभापति अनिल खीचड़, पार्षद सुमित रिणवा, पार्षद मनोज सैनी, पार्षद अब्दुल हाफिज ने टाउन की महावीर धर्मशाला में इंदिरा रसोई का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एसडीएम कपिल यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। रसोई में जरूरतमंद लोगों को 8 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। हनुमानगढ़ जिले में गुरुवार शाम को मिली जांच रिपोर्ट में 4 मीडिया कर्मियों सहित 15 नए कोरोना पॉजिटिव रोगी मिले हैं। मीडिया कर्मी पहले पॉजिटिव आए रोगियों के संपर्क में थे। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने बताया कि जंक्शन में 4 मीडिया से जुड़े लोग, जंक्शन सिविल लाइन से 1, जंक्शन थाना पुलिस की कस्टडी में पंजाब के बरनाला का 1 कैदी, संगरिया के मलरामपुरा से 2, संगरिया की आरसी कॉलोनी और वार्ड नंबर 6 में 3, संगरिया व हनुमानगढ़ में 2-2 पॉजिटिव आए हैं। जिले में अब तक 323 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे की क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति की 17 बैठक का आयोजन ऑनलाइन होगा। इससे पूर्व यह बैठक उत्तर पश्चिम रेलवे की जयपुर स्थित मुख्यालय में होती रही है। बैठक की अध्यक्षता उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश करेंगे। मीटिंग के लिए समिति के सभी सदस्यों से एजेंडे मांगे गए हैं। समिति के सचिव व उत्तर पश्चिम रेलवे के ADGM शशि किरण जल्द ही बैठक की तिथि व समय की घोषणा करेंगे। श्री गंगानगर में पंजाब नेशनल बैंक ने मंडल प्रमुख राजेंद्र मोहन शर्मा की अध्यक्षता में नगर परिषद श्री गंगानगर के बाहर जरूरतमंदों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मास्क एवं सैनिटाइजर वितरित किए। इस अवसर पर राजेंद्र मोहन शर्मा ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक यहां अग्रणी जिला के रूप में कार्य कर रहा है, समय समय पर विभिन्न सामाजिक सरोकार गतिविधियां आयोजित करता रहा है। आज अखिल भारतीय स्तर पर जरूरतमंदों को मास्क एवं सैनिटाइजर भेंट किए गए हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व राजीव गांधी की जयंती पर गुरुवार को हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट में समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने सद्भावना दिवस की प्रतिज्ञा दिलाई। समस्त अधिकारी कर्मचारियों ने एक साथ सद्भावना दिवस पर जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करने की प्रतिज्ञा ली। श्री गंगानगर में कृषि महाविद्यालय में नियुक्त डीन डॉक्टर राजेश शर्मा ने गुरुवार को विधायक राजकुमार गौड़ से शिष्टाचार मुलाकात की। श्री शर्मा ने कृषि महाविद्यालय के सफल संचालन के आगामी कार्यक्रमों के बारे में विधायक को जानकारी दी। श्री शर्मा ने बताया कि कॉलेज में पहले साल प्रवेश के लिए 60 सीटें सीमित की गई हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के पास प्रवेश को लेकर यह आदेश विचाराधीन है कि इसका प्री टेस्ट लिया जाए या मेरिट बेस पर सिलेक्शन किया जाए। श्री गंगानगर में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2021 के संदर्भ में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व की तैयारियों के लिए 21 अगस्त को 4:30 बजे कलेक्ट्रेट सभा हॉल में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।